नमस्कार मेरे किसान भाइयों, ट्रैक्टर है आइसर एक्सट्रैक 241 मेरे भाइयों 2019 ही मॉडल है ये और मात्र 470 घंटे के आसपास चला हुआ ट्रैक्टर की आप आवाज़ सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी है, मतलब नए ट्रैक्टर है, 470 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ता, बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, हरियाणा नंबर है मेरे भाइयों, देख सकते हैं 472 घंटे चला हुआ हरियाणा नंबर है। और ये जो शाहपुर पड़ता है ज़िला मुजफ्फरनगर, शाहपुर में मेन बर्फ़ की फैक्ट्री के पास विजित बालियान जी का जो ये आवाज़ है, वहाँ पर जाकर आप ट्रैक्टर खरीद सकते हैं जिस भाई को लेना हो, देख सकते हैं साफ सुथरी ट्रैक्टर है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इसका जो होता है हब रिडक्शन टाइप इसका एक्सल है, पिछला स्ट्रेट एक्सल नहीं आता ये, जिससे कि लोड झेलने की क्षमता कहीं ना कहीं इसकी बढ़ जाती है। और बिल्कुल नया ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी मेरे भाई खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफिकेशन, तो 900 या 1000 कुंटल की लिफ्टिंग कैपेसिटी है, 9 कुंटल या 10 कुंटल की आराम से काफ़ी है इस ट्रैक्टर के लिए। कुल मिला के जो इसमें वजन है वो 1600 किलो के आसपास है ट्रैक्टर में वजन। इंजन की बात की जाए तो 1550 cc का इंजन है, 24 हॉर्स पावर सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है। आवाज़ आप सुन सकते हैं, काफ़ी अच्छी आवाज़ है, आगे कंपनी ने वेट भी दिया है अब, जिससे कि आराम से कोई दिक्कत ना आए, आगे से लिफ्ट ना हो ट्रैक्टर। और छतरी लगी लगाई है, 3,05,000 रुपये की डिमांड है, जो भी मेरे भाई लेना चाहते हो ले सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल ट्रैक्टर है, कोई दिक्कत नहीं है। और अब गन्नों का जो है सीज़न चल पड़ा है, सबसे कम खर्चा है इसका मेरे भाई, 24 हॉर्स पावर के अंदर आराम से आप इस पर 7 फाड़ी का टिलर चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और इस श्रेणी के ट्रैक्टर के लिए 7 फाड़ी का टिलर ही काफ़ी है। और जिस भाई के पास आइसर है उन्हें पता ही है कितनी बेहतरीन आवाज़ है इसकी, ये देख सकते हैं नाम को भी ट्रैक्टर के अंदर धुआं नहीं है। गियरबॉक्स की बात की जाए तो 6 स्पीड गियरबॉक्स है और ये हाई लो में नहीं आता, 5 फॉरवर्ड 1 रिवर्स। तो धन्यवाद मेरे भाइयों, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं।